से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए भक्तों उनके भगवान की। परम श्रद्धे परमात्मा स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान, हरिकथा प्रेमी उद्धव मैत्रेय सदृश समुपस्थित सुधीर श्रोता महान भाव, भक्ति स्वरूपा देवियों तथा प्यारे बच्चों, आज निर्मोही सुल्तानपुरी सती सुलोचना का प्रसंग आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, आगे जैसे प्रभु जी की इच्छा। मेरे राम सहारा बन जाओ, ओ मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। यदि तू पति का हाथ है, अरे नहीं किसी की चाल, तो तुझको मेरी कसम लिख दे सच्चा हाल। इन शब्दों से सती का, इन शब्दों से अरे सती के डोली उठा भूगोल, आत्मा उस घननाद की उठी भुजा में बोल। और कहा क्या, बोले आत्मा उस घननाद की उठी भुजा में बोल। वो कटा हाथ सारा का सारा समाचार बताने लगा। लिखा हाथ ने प्रियतमे, अरे सर्वस छूटा जात, और नहीं किसी का हाथ, ये है मेरा ही हाथ। मेरा हाथ है, अगर तुमने जानने का विचार बनाया है ना, तो ले सुनो। शेषावतार है लखन लाल, शेषावतार है लखन लाल, जिनके द्वारा संहार हुआ, इस बैर भाव से मुक्ति हुई, इसका गरण रण संग, इस बैर भाव से मुक्ति हुई, इस कारण रण उद्धार हुआ।
वैद्यनाथ ने कहा इस बैर भाव से मुक्ति हुई, इस रण का रण उद्धार हुआ। और सुनो, धल तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामा दल में, अवात्मा अविनाशी विचर रहा। बोले कहाँ है आत्मा अविनाशी विचर रहा, सुख से अनंत के आंचल में। और मानो उस मेघनाथ की आत्मा बोल रही, सुनने वाली कौन है? सुलोचना। उस आत्मा ने कहा कि ओ सुलोचना, एक हमारी आज्ञा है तुम्हारे लिए। सत्वंती उसी सत्य की तुम, अरे लंका में ज्योति जला देना। अब कहते हैं किसको पतिव्रता, कहते हैं किसको पतिव्रता, यह दुनिया को दिखला देना। अरे आत्मा पहुंची सूक्ष्म में, लिख कर इतनी बात, सुलोचना के शीश पर हुआ वज्र सापात। दिया न भूमि पे, रोका हाथों हाथ, अरे हृदय स्वर के प्राण को, हृदय स्वर के हाथ को तुरंत नवाया माथ। हाथ को हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़ते हुए सुलोचना के मुंह से एक आवाज निकल गई, बोली पहले की भांति नाथ, अब के न भेद कुछ बतलाए, कह गए यज्ञ की बात यहां, उस जगह युद्ध कर दिखलाए, ये कैसा यज्ञ किया स्वामी, आहुत दे डाली प्राणों की, अरे रह गई कहानी अब जग में, पतिदेव तुम्हारे बाणों की। भगवान किसी नारी को भी, भगवान किसी नारी को भी दिखलाए न यह दिन स्यापे का, सारे दुखों से बढ़कर है दुनिया में दुख रड़ापे का।
गया खेद इतना मुझको, मैं साथ न रही रणस्थल में। बोले अगर मैं तुम्हारे साथ उस रण के मैदान में होती तो। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ न रही रणस्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समरांगण में। या तुम मेरे सर पे होते, मैं होती चरण तुम्हारे पे। हम दोनों साथ साथ मर कर, हम दोनों साथ साथ मर कर जाते उस शांत किनारे पर। अरे सुलोचना कहती है बिना पति के पत्नी की जिंदगी क्या है। बोले जिया बिन देह नदी बिन बारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। चढ़ा सती पर जिस समय, अरे सत का ऐसा रंग, अब दस कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। दस कंधर, अरे दस कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। रावण आया और कहता क्या है, दस कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। ये जो आप सुन रहे हैं निर्मोही जी की आवाज में सती सुलोचना प्रसंग। दस कंधर आया तभी, दस कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। प्रिय भक्त जनों, गोल्ड ऑडियो कैसेट्स के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके प्रिय कलाकार पंडित माता फेर तिवारी निर्मोही सुल्तानपुरी के कई शानदार कार्यक्रम, जैसे लक्ष्मण शक्ति, शिव विवाह, शिव कलेवा, राम शबरी मिलन, केवट संवाद, राम विवाह, सीता हरण, राम अंगद युद्ध, सती अनुसुईया, भीष्म प्रतिज्ञा, राम वनवास, भरत चरित्र, नारद मोह,
नकली साधु, अनुसुईया नर्मदा संवाद, भस्मासुर वध, घंटहा बाबा, निर्गुण भजन, भगवान शंकर की गंगा यात्रा, राजा आम्रराज की कथा, श्याम सुंदर की रासलीला, बिना भैंस का दूध व मूर्ख राजा बुद्धिमान पंडित इत्यादि। धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली। जिस समय मंदोदरी के साथ में रावण पहुंचता है सुलोचना के पास में, आज रावण अपनी पुत्रवधू को समझाते हुए बोल पड़ा। बोला, बेटी क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, अरे तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई है, बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उसने कहा, मैं मेघनाथ का बदला लेने के लिए स्वयं जा रहा हूँ। बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, उसी एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। उसने कहा, एक शीश नहीं, एक मेघनाथ के शीश के बदले उस तपसी के पास से हम लाखों शीश लेकर के आते हैं। सुलोचना कहने लगी, उसने कहा, महाराज, हे महाराज यह बेटी तो, हे महाराज यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या होगा। अरे हमको लाख शीश से मतलब क्या है, लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है। सुलोचना ने कहा, हमें केवल शीश चाहिए पिताश्री, तो केवल अपने पति के शीश की आवश्यकता है, लाखों शीश लेकर के सती क्या करेगी। वो गए वीर गति पाकर मैं, कहती है वो तो गए लेकिन मैं क्या करूंगी, सुनो। वो गए वीर गति पाकर हैं, मैं नारी उचित गति पाऊंगी, अब पति का सौ साथ चिता में ले सानंद सती हो जाऊंगी।
रावण तो चला गया, रावण उसी गुस्से में चल देता है मेघनाथ का बदला लेने के लिए। लेकिन आज मंदोदरी अपनी बहू के पास जो बैठी समझा रही थी ना, उसने कहा वो बेटी, तब मंदोदरी कहने लगी, बेटी यह बतलाओ, अरे इस बूढ़ी की किस तरह पार लगेगी नाव। सज्जनों, एक माँ की ममता बोल रही है, मंदोदरी कहती है, मरने से मेघनाद ही के, मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है, दुखों पर दुख है ये तू भी, दुखों पर दुख है ये क्योंकि तू भी अब बिछड़ी जाती है। बेटा पहले गया और बहू बाद में रास्ता बना रही है। किस भांति रहूंगी जीवित मैं, इतना मुझको समझाए जा, तू मुझे अंधी की लकड़ी है, कुछ तो रास्ता बताए जा। उसने कहा, कहा बेटी मेरे लिए कोई रास्ता बता। अरे उस देवी ने कहा, कहा माता जी मैं क्या बताऊं, आज हमारे लिए आप कुछ बतावें, एक नारी की गति क्या होती है, क्या करना चाहिए। मंदोदरी ने कहा, सुन करके संदेश को अरे मन में किया विचार। उसने कहा बेटी उत्तम गति तो यही है एक देवी के लिए, एक नारी के लिए, जो अपने पति के साथ सती हो जाए। बस सुलोचना की रास्ता क्लियर हो गई। सुनकर के संदेश को अरे मन में किया विचार, रामा दल की ओर को चली सुलोचन नारी। सुलोचना आज एक बड़ी सुंदर पालकी पे बैठ करके और रामा दल की तरफ चली। देखो राम जी जहां बैठे हैं वहां पे सारे भालू बंदर बैठे हैं ना। गुप्तचर ने उस समय भेजा ये समाचार, एक पालकी इधर को आती है सरकार। अरे सारे भालू बंदर हंस पड़े, किलकारी कर कर सभी कूद पड़े कुछ कीस, अब तो ये प्रत्यक्ष है हार गया दस शीस। सहारा बन जाओ मेरे राम,
सहारा बन जाओ भगवान, सहारा बन जाओ